Yes, students, we will discuss today the work I gave to you on Saturday. मुहावरे जो आपको दिए गए थे आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. हरविंदर मैम, प्लीज़ अलाउ द स्टूडेंट्स टू अनम्यूट देमसेल्फ, तभी हम उनसे इंट्रैक्शंस कर पाएंगे. तो 279 पेज ऑफ द बुक, कुछ मुहावरे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं. पार्ट नंबर 4, हाथ बटाना. आपने इन मुहावरों के अर्थ बताने हैं और 6 से लेकर 12 तक आपको वाक्य में भी प्रयोग के लिए दिया गया था. तो हाथ बंटाना, दिशा प्रभाकर, गिव आंसर. अनम्यूट करिए अपने आप को जल्दी से. प्रेजेंट जो है आपने रहना, प्रेजेंस ऑफ माइंड होनी चाहिए. फटाफट आपने अपने आप को अनम्यूट करना है. मैम, दिशा को अनम्यूट कर दीजिए. हरविंदर मैम, दिशा को अनम्यूट कर दीजिए. दिशा प्रभाकर, अनम्यूट योर सेल्फ. नॉट एबल टू? यस नंदिका, आर यू एबल टू डू इट? मैम प्लीज अलाउ देम टू अनम्यूट देम सेल्फ. अरविंदर मैम, अरविंदर मैम प्लीज मेक मी होस्ट. यस क्रिश, गिव आंसर. दिमाग में भूसा होना. यस मैम, पूरी तरह मूर्ख होना. वेरी गुड, पूरी तरह मूर्ख होना. पहाड़ टूट पड़ना. विश्वजीत, अनम्यूट करिए अपने आप को. विश्वजीत, हैंड रेज करिए बेटे. पहाड़ टूट पड़ना. मेगा पासी, Will you give the answer? Okay, Gurnoor Singh. Gurnoor Singh. Pahar toot padna. Achanak koi musibat aane. Very good. Achanak kisi musibat ka aa jana ya achanak koi musibat aana. Next turn is of Gurleen Channa. Next, डंके की चोट पर कहना. डंके की बिना डरे कहना. हाँ, बिना डरे कहना या खुले आम कहना, अपनी बात को ठोक बजा कर कहना. नेक्स्ट इज दाल में काला होना. कैमरन, दाल में कुछ, काला होना. कुछ गड़बड़ होनी. वेरी गुड, कुछ गड़बड़ होना. दाल में काला होना, कुछ गड़बड़ होना. जिन स्टूडेंट्स ने नहीं भी वॉक किया है, दे कैन कम्प्लीट इट साइड बाई साइड एज आई एम डिस्कसिंग. वो अपना वर्क अपनी नोटबुक पर कम्प्लीट कर लीजिए. अगर नहीं भी किया, नो नीड टू अफ्रेड, डरने की कोई बात नहीं है. अगर नहीं भी किया है, अगर नहीं किया है तो आप साथ साथ उसको कम्प्लीट करिए. नेक्स्ट टर्न इज ऑफ मुस्कान बाला. पाम उखड़ जाना. अपने आप को अनम्यूट करो. पाम उखड़ जाना. मुस्कान, गिव आंसर. यस क्रिश भाटिया, क्रिश भाटिया, पाम उखड़ जाना. मेरे वाला नहीं आता. ओके, चलिए मैं ही बता देती हूँ. लड़ाई या विरोध के आगे ठहर ना पाना. पाम उखड़ जाना. कोई झगड़ा हो या लड़ाई हो उसके आगे, या कोई विरोध करे उसके आगे ठहर ना पाना. नेक्स्ट इज आर्यन मेहरा. रंग में भंग पड़ना. रंग में भंग पड़ना, ये बहुत इजी है, हमने 8th क्लास में भी किया हुआ है. कहते थे रंग में भंग पड़ गया है. बहुत बार इसका प्रयोग भी होता है. दिवांगी, कैन यू टेल? अनम्यूट योर सेल्फ. दिवांगी, गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग मैम. ओके ओके, वेट वेट, गिव आंसर. आर्यन, गिव आंसर फर्स्ट. मैम, रंग में भंग डालना, बिना बनाया खेल बिगाड़ देना.
वेट वेट, बना बनाया खेल बिगाड़ देना, रंग में भंग पड़ना, yes, बना बनाया खेल बिगाड़ देना, बिगड़ जाना, रंग रंग में भंग पड़ना, बना बनाया खेल बिगड़ जाना। नेक्स्ट दिवांगी आपकी टर्न आएगी, आप उंगली पर नचाना, यस उंगली अपने इशारों पर नचाना, हाँ वेरी गुड, अपने इशारों पर नचाना, वाक्य में प्रयोग कर पाओगे आप दिवांगी? कैन यू टेल मी द सेंटेंस ऑल्सो, क्या वाक्य? यस मैम, यस बताइए। आजकल के लोग दूसरे आजकल के लोग चाहते हैं कि दूसरे लोग उनके इशारों पर ही नाचते रहें। लेकिन वाक्य तो है, जो मुहावरा जो है वो उंगली पर नचाना है, तो आप मुहावरे का प्रयोग करोगे ना, आप तो अर्थ का प्रयोग कर रहे हैं। आजकल के लोग चाहते हैं कि दूसरे लोग उनकी उंगलियों पर ही नाचते रहें। ओके ओके, और कोई स्टूडेंट? प्रगति वाक्य बताइए, प्रगति 10th ब्लू 42 रोल नंबर, प्रगति अनम्यूट करिए। Not able to? Yes, Mishti, can you tell me the sentence? वाक्य बता सकते हो आप मिष्टी? उंगली पर नचाना, वेरी इजी, बहुत इजी है, आप कोशिश करिए। Mom, can I give answer? Yes, yes, you can. आजकल के नेता राजनीति को अपनी उंगली पर नचा रहे हैं। Yes, very good. आजकल के नेता राजनीति को अपनी उंगली पर नचा रहे हैं। जिन बच्चों ने नहीं लिखा है वो नोट कर लीजिए। अंगूठा दिखाना, अंगूठा दिखाना, हर अजीज रोल नंबर 1 प्लीज गिव द आंसर, अनम्यूट योरसेल्फ। हर अजीज, अंगूठा दिखाना, हाँ जी बताइए क्या अर्थ होगा इसका? मना कर देना, यस yes, मना कर देना, अंगूठा दिखाना साफ इनकार कर देना या मना कर देना, मना कर देना, वेरी गुड वेरी गुड। उसके बाद है कोल्लू का बैल, जसकरण बाड़ा, कोल्लू का बैल, अनम्यूट करिए। पहले अनम्यूट तो करिए बच्चे, कोल्लू का बैल, हाँ जी, बहुत काम करना या बहुत मेहनती होना, बहुत अत्यधिक मेहनत करने वाला, कोल्लू का बैल अत्यधिक मेहनत करने वाला। वाक्य बता सकते हो क्या, कौन सा बनाया आपने, इसका क्या वाक्य बनाया? वाक्य बनाया नहीं पर बना सकता हूँ। रमेश ने अपने पिता को सारी उम्र कोल्लू के बैल की तरह काम करते हुए देखा है। हाँ। लेकिन सेंस थोड़ा सा और ठीक करो वाक्य को। यस कृष भाटिया, वाक्य मैम थोड़ा सा और ठीक करो, कोल्लू का बैल, कृष भाटिया कैन यू गिव द आंसर, वाक्य बनाओ इसका, अनम्यूट करो अपने आप को पहले। चलिए स्नेहल वाक्य प्रयोग करिए। यस मैम, हर माँ अपने बच्चे के लिए कोल्लू के बैल की तरह कार्य करती रहती है। हाँ, कोल्लू का बैल बनकर कार्य करती रहती है, वेरी गुड। नेक्स्ट इज गड़े मुर्दे उखाड़ना, दीपक, दीपक पांडे रोल नंबर 14 ऑफ 10th रेड, गड़े मुर्दे उखाड़ना। बेटे यू हैव टू बी क्विक लिटल, गड़े मुर्दे उखाड़ना, दबे हुए बात को फिर से उभारना। हाँ, पुरानी बातों को याद करना, याद करना, बातों को याद करना। चिराग वाक्य में प्रयोग करिए, गड़े मुर्दे उखाड़ना, चिराग वाक्य प्रयोग करिए बेटे। पुरानी बातें निकालना, राम और श्याम पुरानी बातें गड़े मुर्दे उखाड़ कर लड़ते रहते हैं।
आपस में झगड़ा करते हैं। झगड़ा अच्छे अच्छे वाक्य बनाइए आप, बहुत ही कैजुअल से वाक्य बनाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे वाक्य प्रयोग करिए। यस मानव आपकी स्माइल बता रही है आपको आता है वाक्य। चलिए वाक्य बताइए इसका क्या बनाया आपने, और अगर नहीं भी बनाया तो आप बना सकते हो, ये कोई मुश्किल नहीं है, आपने बहुत बार किया हुआ है। यस ऋषभ जोशी, गड़े मुर्दे उखाड़ना का वाक्य प्रयोग करिए। मैं एक वाक्य बताऊं? हाँ जी बताइए। शाम की आदत ही है कि वह गड़े मुर्दे उखाड़कर लोगों में वाद विवाद या झगड़ा करवा देता है। हाँ, गड़े मुर्दे उखाड़कर लोगों में वाद विवाद या झगड़ा करवा देता है। वेरी गुड मैम। एक और बनाया है मैम। हाँ जी बताइए। और बनाया था yes. गड़े मुर्दे उखाड़ने से कुछ हासिल नहीं होता, सिर्फ समय की बर्बादी होती है। वेरी गुड यस। हू वांट टू टेल मैम? वर्तमान में जीना सीखे, गड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई लाभ नहीं मिलता। वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट इज पार्ट नंबर 5। देखो आई एम शेयरिंग द स्लाइड विद यू। कुछ शब्द दिए गए हैं, उनसे आपने पूरा मुहावरा बनाना है और साथ में आपने उसका वाक्य प्रयोग भी करना है। पार्ट नंबर 5 ही है, सेम पेज पर आपकी बुक में, 1 से लेकर 10 तक। आई एम गिविंग यू 2-3 मिनट्स। आप मुहावरा, इसको मुहावरे में प्रयोग करिए। पहला शब्द जो है मुहावरे का, वो जो दिए गए शब्द हैं वही होना चाहिए, और साथ ही साथ आपने उसका अर्थ भी लिखना है, आंसर भी लिखना है। जैसे है पहला शब्द, मैं एक बार पढ़ के बता देती हूँ। पगड़ी, फिर सीना, पगड़ी उछालना। वेट आपको 2-3 मिनट्स में दे रही हूँ, आप पहले अपनी बुक पर इसको कंप्लीट करो, साथ में अर्थ लिखो, फिर मैं डिस्कस करती हूँ साथ में। अब करते रहिए साथ में। फर्स्ट है पगड़ी, फिर सीना, पलके, हाथ, कान, नाक, लाल, पैर, उंगली और सिर। 10 शब्द आपको दिए गए हैं, इन 10 शब्दों से आपने मुहावरा पूर्ण करना है और साथ में आपने उसका अर्थ भी लिखना है। जल्दी से साथ ही साथ करेंगे सभी बच्चे, ताकि बाद में आपको ना करना पड़े और आपको सारे मुहावरे भी आ जाए। और मैं साथ ही साथ व्यू कर रही हूँ, और सारे बच्चे जिनकी वीडियोस ऑन नहीं है वो गैलरी में आ रहे हैं रिकॉर्डिंग में। सो ऑल आर रिक्वेस्टेड प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो। तुषार ऑल्सो, तुषार 10th thread 39 रोल नंबर, वीडियो इज नॉट ऑन, सौरभ यू आर नॉट विजिबल टू मैम, प्लीज अपनी वीडियो भी ऑन करिए। मीनल, आपको 1-2 मिनट दिए गए हैं, जल्दी से कंप्लीट करिए। कृष भाटिया, अपनी वीडियो ऑन करिए बेटे। डिस्कस करें साथ साथ। ये सभी मुहावरे जो शब्द है ना, ये मुहावरे आपने किए हुए हैं, जूनियर क्लास में भी किए हुए हैं, लेकिन आज देखा जाएगा कि किसके माइंड में वो मुहावरा आ रहा है जल्दी से। चलिए यादिल से शुरुआत करते हैं। यादिल, फर्स्ट आप कंप्लीट करिए पगड़ी, और साथ में अर्थ भी बताना है। यादिल हैंड रेज करिए ताकि मैम आपको अनम्यूट कर दे। यस मैम। पगड़ी से कौन सा मुहावरा बना? पगड़ी उछालना। हाँ जी, अर्थ बताएं, ये तो कृष्ण ने बता दिया था थोड़ा सा। हाँ जी, पगड़ी उछालना, बेइज्जत करना। वेरी गुड, बेइज्जत करना। चलो मानव, सेकंड सीना। मानव 10th thread वीडियो ऑन रखो बेटे, अभी तो आप वीडियो ऑन करके बैठे थे। सीना नहीं आता तब भी कोई बात नहीं, आई विल हेल्प यू टू कंप्लीट इट। अनम्यूट करिए मानव। सीना, यस चिराग,
चिराग गिव आंसर हैंड रेज करिए मैम मैम सीना छलनी होना हिम्मत टूट जाना हाँ सीना छलनी होना हिम्मत टूट जाना सीना चौड़ा होना गर्व महसूस करना सीना चौड़ा होना गर्व महसूस करना मुस्कान बाला आपकी टर्न है हाथ नंबर थ्री पलके सॉरी नंबर थ्री पलके पलके से शुरू होने वाला मुहावरा बताइए मुस्कान बाला पलके मैम क्या बताऊं मैम यस पलके बिछाना यस स्नेहपूर्वक स्वागत यस स्नेहपूर्वक स्वागत करना पलके बिछाना स्नेहपूर्वक स्वागत करना पलके बिछाना स्नेहपूर्वक स्वागत करना नेक्स्ट है हाथ मलना हाथ मलना ऋषभ जोशी चलो मैंने ही बता दिया हाथ मलना पछताना लिख लीजिए हाथ मलना पछताना ऋषभ अगला बताइए कान कान से शुरू होने वाला मुहावरा बताइए कान कान में जूना रेंगना कान पर में नहीं होता कान पर जूना कान पर जू हाँ बिल्कुल असर ना होना एक और मैं बता रही हूँ कान का कच्चा होना कान का कच्चा होना बिना सोचे विचारे किसी की बात पर विश्वास किसी की भी बात पर विश्वास कर लेना कान का कच्चा होना बिना सोचे विचारे किसी की भी बात पर विश्वास कर लेना हर्षित नेक्स्ट इज योर टर्न नाक 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 काटना नाक काटना ना कटना आप देखो जो भी मुहावरा आप बना रहे हो उसका अर्थ आपको आता है हाँ ना कटना क्या होगा ना कटना बेइज्जती होनी हाँ बेइज्जती होनी एक और भी है जो आजकल की करंट सिचुएशन पर बहुत सारे बच्चे जिद कर रहे हैं नाक में दम करना नाक रगड़ना नाक में दम करना बहुत इजी है बनाना नाक में दम करना तो क्या होगा अर्थ इसका नाक में दम करना बहुत परेशान करना परेशान करना सृष्टि वाक्य नाक रगड़ना हाँ नाक रगड़ना गिड़गिड़ाना वेरी गुड सृष्टि नाक में दम करना का वाक्य प्रयोग करें नाक में दम करना का वाक्य प्रयोग करें अनम्यूट करिए यस आज आजकल के विद्यार्थी अध्यापकों के नाक में दम कर देते हैं आजकल के बच्चे माँ बाप के नाक में दम कर देते हैं और बहुत ऐसी जिद करते हैं जिसको पूर्ण करना कई बार माँ बाप के लिए भी मुश्किल हो जाता है कोई भी वाक्य आप बना सकते हो सरल वाक्य होना चाहिए नेक्स्ट है लाल आकाशदीप कौर लाल से शुरू होने वाला मुहावरा बताएं अनम्यूट करिए अपने आप को और स्क्रीन ऑन करिए आकाशदीप कौर जसकरण बाड़ा कैन यू गिव आंसर लाल से शुरू होने वाला कोई मुहावरा बताएं मैम नो ये नहीं आता मैम अरे आप अपने जरा सोचो आपको याद आ जाना ये कर चुके हो आप मैम हाँ जी बताइए मैम ये हो सकता है लाल पीला होना हाँ वेरी गुड लाल पीला होना बहुत अधिक क्रोधित होना लाल पीला होना बहुत अधिक क्रोधित होना तो नाक से शुरू होने वाला मुहावरा ना अगर आप अपनी बुक का 271 पेज देखो तो बहुत सारे मुहावरे हैं जो नाक से शुरू हो रहे हैं और भी कई मुहावरे हैं आप कोई भी मुहावरा उससे संबंधित लिख सकते हैं लाल पीला होना बहुत अधिक क्रोधित होना कहते हैं बहुत लाल पीला हो रहा है बहुत गुस्सा आया हुआ है इसको उसके बाद नेक्स्ट है पैर या दिल पैर पैर से शुरू होने वाला मुहावरा बताएं एक्सक्यूज मी मैम हाँ जी बताइए मैं बताऊं हाँ जी बताओ पैर पखारना हाँ पैर पखारना अर्थ क्या होगा बहुत आदर सत्कार करना
हाँ आदर सत्कार करना या पैर पड़ना, गिड़गिड़ाना, पैर पड़ना, गिड़गिड़ाना, गिड़गिड़ाना, ओके। उंगली, उंगली, एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी बेटे, ये हो सकता है पैरों तले जमीन खिसक जाना। हाँ पैरों के तले जमीन खिसक जाना, पैरों तले जमीन खिसक जाना हो सकता है। नेक्स्ट है उंगली पर नचाना, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उंगली दिखाना भी उंगली हो सकता है, उंगली करना भी हो सकता है, बहुत सारे मुहावरे हो सकते हैं। उसके बाद है सिर, स्नेहल गिव आंसर, सिर से शुरू होने वाला मुहावरा बताए। सिर, और सभी बच्चों ने कंप्लीट करना है, साथ ही साथ अपनी बुक पर ये फिफ्थ पार्ट करना है। सिर, एक्सक्यूज मैम, यस दीपक यू गिव द आंसर, एक्सक्यूज मैम, वेट वेट वन बाय वन, दीपक मैम सिर उठाना, सिर पर कफन बांध लेना, हाँ सिर पर कफन बांधना, सिर उठाना, विरोध करना, या ये भी हो सकता है सिर धुनना, पछताना, कई लोग माथे पर हाथ मारते हैं ना कि हाय मेरे से क्यों ये गलती हो गई, तो पछताना, सिर धुनना, पछताना भी हो सकता है। हाँ जी बेटे, अब अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है वन बाय वन। मैम टेंथ वाले सिर का, मैम सिर पैर ना होना ये लिख सकते हैं? हाँ सिर पैर ना होना, ठीक है, कोई अर्थ ना होना, हाँ कोई मतलब ना होना, कोई अर्थ ना होना, यस मैम। सिर ये जो टेंथ वाला सिर का ये लिख सकते हैं, सिर पर पैर रखकर दौड़ना, सिर पर सरपट दौड़ना, सरपट दौड़ना। चलिए नेक्स्ट है सूचना लेखन, जो आपको कल होमवर्क मैंने दिया था उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि एक लड़की है जो गुम हो गई है, उसके संबंध में आप अखबार में सूचना छपवाना चाहते हो, तो आप वह सूचना किस तरह से तैयार करोगे, आपने सूचना तैयार करनी है। आई होप यू हैव डन द वर्क। चलिए हु विल रेज योर हैंड, हु विल टेल मी, अपने हैंड रेज करिए। यस गुरलीन, यू अनम्यूट योरसेल्फ, क्या लिखा है आपने? गुरलीन चांदना, हाँ जी बताइए। यस आपके मोहल्ले से एक लड़की को अगवा कर लिया गया है, तो उससे संबंधित सूचना आपको अखबार में छपवानी है, विस्तृत जानकारी के लिए सूचना तैयार करनी थी, तो आपने क्या बनाया इसको, क्या लिखा? सूचना, फिर नेक्स्ट लाइन में रेजेंसी टाउन, फिर नेक्स्ट लाइन में लेफ्ट हैंड साइड पे 5 अक्टूबर 2020, राइट हैंड साइड पे, एक मिनट, साथ में रेजेंसी टाउन लिखा है तो विषय भी तो लिखोगे, विषय आपने लिखा, वो अगली लाइन में लिखा, हाँ जी अगवा की तलाश, अगवा की तलाश, यस हाँ जी बताइए आगे। नेक्स्ट, सूचित किया जाता है कि हमारे मोहल्ले में एक लड़की को कल 4 अक्टूबर 2020 को अगवा कर लिया गया है, उम्र 15 साल, नाम शीला, रंग सांवला, कपड़े पीले रंग की फ्रॉक पहने हुए, निवेदन है कि आप सब हमारा सहयोग दें और जो शीला को घर वापस लेकर आएगा उससे 15,000 का इनाम दिया जाएगा। पुलिस ने भरसक प्रयत्न किया है, बहुत सारी कोशिश की है, परंतु उसके बावजूद भी उसके बारे में कोई सुराग नहीं मिला है, तो जिस व्यक्ति के पास इस लड़की के बारे में कोई जानकारी हो वो कृपा दिए गए थाने पर या दिए गए पते या टेलीफोन नंबर पर संपर्क कर सकता है। तो इस तरह से आपने सूचना को लिखना है। यस बताइए बेटे। मैम इसमें हम ये लिख सकते हैं, एक लाइन ऐड कर सकते हैं कि लड़की की तस्वीर नीचे दी गई है। क्या दी गई है? लड़की की तस्वीर नीचे दी गई है। हाँ तस्वीर भी दी गई है, वो भी बता सकते हो, लड़की की तस्वीर दी गई है, वेरी गुड। और आई होप कि सभी स्टूडेंट्स ने ये वर्क अपना कंप्लीट कर लिया है, और अगर नहीं भी किया है तो आप इसको आज कंप्लीट कर लीजिए, प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज एग्जाम में आप उसे अच्छे से लिख नहीं पाओगे।